हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटॉप। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग टॉपिक के बारे में। ठीक इसके पहले वाली वीडियो में हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग के बेसिक्स को देख लिया है और इस पर्टिकुलर वीडियो में जो हम करने वाले हैं वो है हमारे ट्राई और कैच ब्लॉक के बारे में। यानी इस वीडियो में हम देखेंगे कि ट्राई ब्लॉक और कैच ब्लॉक एक्सेप्शन हैंडलिंग में क्या रोल प्ले करते हैं और इनका क्या सिग्निफिकेंस होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग में ट्राई ब्लॉक और कैच ब्लॉक क्या करता है। तो देखिए बेसिकली होता क्या है, जब हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं, एक्सेप्शन क्यों हैंडल करते हैं, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, ठीक इसके पहले वाली वीडियो में मैं बता चुका हूं। आई बटन पे क्लिक करके आप जो है वो देख सकते हैं पूरा का पूरा बेसिक्स ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग, वो देख के यहां आइएगा तो फिर सारा कुछ समझ में आपको आएगा। तो नाउ क्वेश्चन ये है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग करते कैसे हैं, हाउ टू परफॉर्म एक्सेप्शन हैंडलिंग। क्वेश्चन इज वॉट, हाउ टू परफॉर्म एक्सेप्शन हैंडलिंग, यानी कैसे हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं, है ना। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग करने का क्या तरीका है, तो देखिए फोर स्टेप्स है, आप कह सकते हैं फोर स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है हिट द एक्सेप्शन, हिट द एक्सेप्शन, यानी कि सबसे पहले आपको यह फाइंड आउट करना है कि कहां एक्सेप्शन आ रहा है, राइट आपने 100 लाइन का, 200 लाइन का, 500 लाइन का, 5000 लाइन का कोड लिखा है, आखिर उसमें एक्सेप्शन कहां आ रहा है वो आपको हिट करना होगा। हिट करना मतलब फाइंड आउट करना होगा। जब आपने फाइंड आउट कर लिया उसके बाद आप क्या करते हैं, हिट द एक्सेप्शन, यानी एक्सेप्शन आपने मिल गया, नाउ थ्रो द एक्सेप्शन, थ्रो द एक्सेप्शन, यानी कि आपको एक्सेप्शन को थ्रो करना होता है, यानी फेंकना होता है। इट इज समथिंग लाइक दैट, क्रिकेट में बैट्समैन ठीक है मारा बॉल, और बॉल जब मारा तो जो प्लेयर है वो क्या करेगा, बॉल को पकड़ेगा और फिर वापस थ्रो करता है। तो वही चीज है कि आप हिट कीजिए, यानी कि प्लेयर ने, बैट्समैन ने बॉल को हिट किया, जो थ्रो करने वाला, थ्रो द एक्सेप्शन यानी कि जो फील्डर था उसने बॉल को कैच किया, यानी एक्सेप्शन को कैच किया और कैच करके क्या किया, सीधे फेंक दिया, ठीक है। अब जब यहां से फेंका तो जो विकेट कीपर होता है वो क्या करता है, उसको कैच करता है, तो यहां क्या होगा, कैच द एक्सेप्शन, यानी एक्सेप्शन को हम क्या करेंगे, कैच करेंगे, बिल्कुल क्रिकेट के थीम में ही आप इसको समझ लीजिए, ठीक है, कैच द एक्सेप्शन। और उसके बाद विकेट कीपर कैच करके बैठेगा थोड़ी ना, अगर रन कर रहा है तो अगर उसे लगता है कि हाँ मैं स्टंप कर दूंगा तो वो आउट हो जाएगा तो वो आउट कर देगा। तो यानी कि परफॉर्म द करेक्टिव एक्शन, परफॉर्म द करेक्टिव एक्शन, यानी कि जो भी आपको करेक्टिव एक्शन परफॉर्म करने हैं वो करिए, ठीक है। So, मतलब सबसे पहले बल्लेबाज ने, बैट्समैन ने बॉल मारा, फील्डर ने बॉल को क्या किया, थ्रो, मतलब पकड़ने के बाद थ्रो किया, और फिर जो विकेट कीपर था उसने उस बॉल को कैच किया, अगर उसे लगता है कि स्टंप कर सकते हैं कर दिया, नहीं तो ठीक है बॉलर को बॉल दे दिया, भैया अगली बॉल, है ना। तो दीज आर द फोर स्टेप्स, इन्हीं फोर स्टेप्स को यूज करके हम पूरे पूरे एक्सेप्शन हैंडलिंग को क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ होता क्या है, प्रोग्राम हम लिखते हैं ना, तो आखिर इस प्रोग्राम को हम बैटिंग बॉलिंग तो नहीं करेंगे, है ना। अगर हम प्रोग्राम पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली हमको प्रोग्राम में देखना है कि आखिर ये चीजें कहां से आएंगी। तो यहीं पर सिग्निफिकेंस आता है ट्राई ब्लॉक का और किसका, कैच ब्लॉक का। क्या होता है ट्राई और कैच ब्लॉक का सिग्निफिकेंस यहां पर समझिएगा। ट्राई ब्लॉक क्या होता है, जो हमारा ट्राई ब्लॉक होता है ना, ये दिस इज अ ट्राई ब्लॉक, ओके। तो ये जो हमारा ट्राई ब्लॉक होता है, दिस ब्लॉक कंटेन्स, हम यहां लिख सकते हैं कि दिस ब्लॉक, यानी ये जो ब्लॉक होता है कंटेन्स द कोड, इसमें वो कोड होता है, कंटेन्स द कोड इन विच, जिसमें वी पुट द कोड दैट माइट कंटेन एक्सेप्शन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम ट्राई ब्लॉक में उस कोड को रखते हैं जिस कोड में एरर्स आने की, नॉट एग्जैक्टली एरर्स, एक्सेप्शंस आने की संभावना होती है। मैंने पिछली कोड में आपको बताया था पिछली वीडियो में कि C इक्वल टू ए बाई बी, ये लाइन में एक्सेप्शंस आ सकता है कब, जब किसी ने B की वैल्यू क्या दे दी, जीरो दे दी, यानी ऑब्वियसली बात है इस कोड के ठीक पहले हम ए बी की वैल्यू तो लेंगे ना, किसी ने बी में जैसे ही जीरो डाला ये लाइन एक्सेप्शन जनरेट करेगा। तो इस कोड को हम क्या करते हैं, ट्राई ब्लॉक के अंदर रखते हैं। आई थिंक आई मैंने गलत दे दिया, ठीक है।
नाउ इस कोड को हम क्या करेंगे, ट्राई ब्लॉक के अंदर रखेंगे। सो सिंपली मींस कि ट्राई ब्लॉक क्या होता है, तो ट्राई ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक होता है, बहुत आसान है, ध्यान समझिएगा, थोड़ा समझिए बस, कि ट्राई ब्लॉक के अंदर हम उन स्टेटमेंट को रखते हैं जिन स्टेटमेंट्स में हमें लगता है एक्सेप्शंस आ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमें पता ही नहीं चल रहा है सर कि किसमें एक्सेप्शन आएगा, तो एक काम कीजिए, पूरे पूरे वाइड मेन इंट मेन के अंदर के जितने भी इंट मेन लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं इंट मेन, ठीक है, इंट मेन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, यहीं से ट्राई शुरू कर दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, सारा का सारा कोडिंग रख दीजिए ट्राई के अंदर, खत्म कीजिए कहानी। ऐसा भी आप कर सकते हैं, कोई मना नहीं करेगा आपको। एक तो है कि आप जानते हो, ठीक है, एक तो आप नहीं जानते हो, तो एग्जाम में क्वेश्चन छूट के आने का मतलब नहीं बनता है, आप पूरे प्रोग्राम को ट्राई ब्लॉक में डाल दो। लेकिन अगर आप जानते हो कि हाँ ट्राई का मतलब क्या होता है, तो ट्राई ब्लॉक में हम उन स्टेटमेंट्स को रखते हैं जिन स्टेटमेंट्स में एक्सेप्शन आने की संभावना हो, तो वो सारे स्टेटमेंट्स आप कहां लिखेंगे, ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखेंगे। दूसरा होता है कैच ब्लॉक, ये होता है कैच ब्लॉक। व्हाट इज द कैच ब्लॉक, ये क्या होता है, एक्सेप्शन जब आता है ट्राई ब्लॉक में, ध्यान सुनिएगा, आपने यहां स्टेटमेंट्स लिखे थे, जैसे ही स्टेटमेंट्स में कोई भी इस ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन आएगा, ये इस एक्सेप्शन को थ्रो कर देता है कहां, कैच ब्लॉक में। और कैच ब्लॉक में हम क्या लिखते हैं, वो स्टेटमेंट्स लिखते हैं जो इस एक्सेप्शन को हैंडल करेगा। सो व्हेनेवर आप क्या लिख सकते हो, यहां पे आप लिख सकते हो कि जब कभी भी एक्सेप्शन आता है किसमें, ट्राई ब्लॉक में, लेट्स राइट द वर्क ऑफ कैच ब्लॉक, कि व्हेनेवर सम एक्सेप्शन, है ना, व्हेनेवर सम एक्सेप्शन इज फाउंड इन ट्राई ब्लॉक, यानी कि जैसे ही कोई एक्सेप्शन ट्राई ब्लॉक में आता है, इट इज इमीडिएटली थ्रोन, यानी क्या कर दिया जाता है, इमीडिएटली थ्रो कर दिया जाता है, ठीक है, इमीडिएटली थ्रोन फेंक दिया जाता है टू विच वन, कैच ब्लॉक, यानी कि कैच ब्लॉक में क्या कर दिया जाता है, इसको भेज दिया जाता है। नाउ द कैच ब्लॉक will have the responsibility to ability, PILITY, to handle the exception। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, आइए फिर से बात समझ लीजिए। ट्राई ब्लॉक के अंदर हम उन कोड्स को रखते हैं जिसमें एक्सेप्शन आने की संभावना होती है, जैसे ही ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन आता है, वैसे ही कैच ब्लॉक को वो एक्सेप्शन थ्रो कर दिया जाता है, यानी कैच ब्लॉक के पास फेंक दिया जाता है, भैया एक्सेप्शन आया, आप इसको हैंडल कीजिए, और कैच ब्लॉक क्या करता है, उस एक्सेप्शन को हैंडल करने का काम करता है। अगर ट्राई ब्लॉक के अंदर नहीं आया कोई भी एक्सेप्शन, तो कैच ब्लॉक एक्टिवेट होता ही नहीं है। इसका मतलब कैच ब्लॉक सिर्फ और सिर्फ तभी एक्टिवेट होता है जब ट्राई ब्लॉक में कोई ना कोई एक एक्सेप्शन आए, तभी कैच ब्लॉक क्या होता है, एक्टिवेट होता है, अदरवाइज कैच ब्लॉक एक्टिवेट नहीं होता है। सिंपली मीन्स, और ट्राई ब्लॉक जहां खत्म होता है उसके इमीडिएटली बाद ठीक उसके नीचे ही कैच ब्लॉक होना चाहिए, ये रूल होता है। यानी ट्राई ब्लॉक यहां शुरू हुआ, यहां खत्म हुआ, ठीक इसके नीचे कैच ब्लॉक शुरू होना चाहिए, क्योंकि ये रूल होता है कि ट्राई ब्लॉक जहां खत्म होता है बिल्कुल उसके नेक्स्ट लाइन से ही कैच ब्लॉक क्या हो जाना चाहिए, स्टार्ट हो जाना चाहिए, ताकि इस ट्राई ब्लॉक में जैसे कोई एरर आए उसको हैंडल करने के लिए क्या रहे, कैच ब्लॉक रहे, ये पहली चीज। दूसरी चीज ये होती है कि जैसे ये एक ट्राई ब्लॉक है, तो जरूरी नहीं कि एक ट्राई ब्लॉक के लिए एक कैच ब्लॉक होगा, मल्टीपल कैच ब्लॉक एक ही ट्राई के लिए हो सकते हैं। यानी कि इसमें एरर आया, एरर टाइप वन, एरर टाइप टू, एरर टाइप थ्री, यानी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जो 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 लाइन का है, तो क्या होगा, बहुत तरह के एरर्स आ सकते हैं, एरर्स में भी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, तो उन सारे एरर्स को हमको अलग अलग कैच ब्लॉक में अगर हम चाहते हैं डिफाइन करना या हैंडल करना, तो एक ट्राई ब्लॉक के लिए हम मल्टीपल कैच ब्लॉक्स भी लिख सकते हैं, वो हमारी मर्जी होती है, वो प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। सो दिस वॉज एवरीथिंग अबाउट ट्राई ब्लॉक एंड कैच ब्लॉक। अब इस पे हमें एक प्रोग्राम समझना होगा कि कैसे एग्जैक्टली हम एक्सेप्शन हैंडलिंग के कोड को लिखते हैं। तो आज के लिए, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे जिसमें देखेंगे कि ट्राई कैच ब्लॉक कैसे हम प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करते हैं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।